हाय डियर स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचर और डिसिप्लिन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखो, डिसिप्लिन का तो मतलब आपको पता ही है, कारिकुलम अकेडमिक्स ये सब से होता है, राइट? सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। बट जो टीचर है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल उसका होता है करिकुलम में, अकेडमिक्स में, स्कूल में, सब्जेक्ट्स में, राइट? टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज का सिस्टम जो एजुकेशन का है, वो ज़रूर हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम बना दिया, क्योंकि हम चाइल्ड के हर एक इंटरेस्ट को फोकस करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बट जो एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है या स्कूल्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उन्होंने टीचर्स को बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया है। टीचर्स को तो वो लोग भूल ही गए हैं कि टीचर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती आज के टाइम में। उनकी सैलरी जितनी होती है उससे कहीं ज़्यादा काम उनसे करवाया जाता है। टीचर्स को जैसे हम भूल गए हैं कि वो तो बेस है। टीचर्स के बिना तो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अगर टीचर्स पढ़ाने से इनकार कर दें पर्टिकुलर स्कूल में, तो वो स्कूल चलेगा कैसे? बट सैलरी हर एक इंसान को कमाना है, हर एक इंसान को पैसे चाहिए, तो वो अपनी डिसरिस्पेक्ट को सहन करके, सुन करके, गलत वो जॉब कंटिन्यू करता रहता है। लेकिन डिसिप्लिन और टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और वो बीएड में आपको बताया जाता है, क्योंकि टीचर जो होता है वो मेन बेस होता है अगर आपको स्कूल का गोल अचीव करना है तो, ठीक है? एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग द फंक्शनिंग को भी फॉर्मुलेट करने में टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनडिसिप्लिन एंड नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल। अगर आपके स्कूल में नॉन अचीवमेंट हो रहा है, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए भी टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। टीचर ही एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में सक्षम होता है जहाँ पर वो गोल्स अचीव करवा सके। अगर टीचर ही सक्षम नहीं है तो गोल्स भी अचीव नहीं होते हैं, और अगर टीचर की डिसरिस्पेक्ट होती है तब भी गोल्स अचीव होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अ टीचर शुड बी प्रोवाइड अफेक्शन टू स्टूडेंट्स। टीचर को हमेशा स्टूडेंट्स के प्रति अफेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए, लव सिंपैथी की फीलिंग देनी चाहिए, एंड हेल्प देम इन देयर पर्सनल प्लान्स। जो उनके पर्सनल प्लान्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें उनको मदद करना चाहिए। अच्छे टीचर करिकुलम को प्रिपेयर करने का काम भी टीचर का ही होता है। टीचर मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? अपने स्किल्स को यूज़ करके और डेवलप करना चाहिए। पर्सनल एबिलिटीज़ जो हैं बच्चे की, उसको डेवलप करने में मदद करनी चाहिए। देयरफॉर अगर टीचर इज़ एबल, देन देयर विल बी नो इनडिसिप्लिन इन द क्लास। देखो, यहाँ पे आपको दो मीनिंग्स आप लिख सकते हो। एक तो टीचर की इम्पॉर्टेंस के बारे में आप बता सकते हो कि किस तरीके से टीचर के बिना डिसिप्लिन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि टीचर को क्या क्या करना चाहिए डिसिप्लिन को मजबूत बनाने के लिए और इनडिसिप्लिन ना क्रिएट हो उसके लिए, ठीक है? तो ये दो पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, अपने आंसर को इलैबोरेट कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसिप्लिनरी नॉलेज है क्या, वो डिस्कस करेंगे।